अस्सलाम वालेकुम आल गाइस, कैसे? ठीक ठाक, उम्मीद है खैर खैर से होंगे। आज का वीडियो बहुत स्टार्टिंग वाले वाला है, क्योंकि हम जा रहे हैं दरबदनी की शहर अभी अपने गांव से। तो आपको आज शहर विज़िट करेंगे, आपको अपना शहर पूरा इंशाल्लाह दिखाएंगे। ये हमारा एक मोबाइल है, की मोबाइल है, इसको रिपेयर करेंगे, आपको वो सब ही दुकानों को दिखाएंगे इंशाल्लाह। तो आप लोगों से गुजारिश है, हमारा चैनल है, इसको सब्सक्राइब करें, ताकि यार नए आने वाले वीडियो आपको मिल सके। आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। कुछ हमारे दोस्त तो हम हमारे ऊपर आस रहे हैं, क्योंकि मैं वीडियो बना रहा हूँ, वीडियो के लिए हमारा ड्रीम है, हमारा ख्वाहिश है पूरा हो जाए कि मैं एक बड़े यूट्यूबर बन जाऊँ। दरबंदी शहर शहर सिर्फ मैं एक यूट्यूबर हूँ और कोई नहीं है। एक है वो अच्छी खासा लोग नहीं बनाते, वो सिर्फ शॉर्ट वीडियो बनाते हैं, मैं लॉन्ग वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो आप लोगों से गुजारिश है, हमारा चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट की ज़रूरत है आप लोगों की। पब्लिक थैंक यू। चलो आगे मिलते हैं वीडियो में। अभी अभी गांव से जा रहे हैं, ठीक है? ये हमारा पूरा गांव यहाँ देख रहे हो, मैं आपको दिखा रहा हूँ। आल फ्रेंड, मैं घर से तो निकल गया हूँ, तो रास्ते में रास्ता के दरमियान है, मैं इस पर मौजूद हूँ। तो ये जो रास्ता है, ये शहर की तरफ जा रहे हैं, और ये मेरे पीछे है, ये हमारे गांव की तरफ जा रहे हैं। हमारे गांव में 4 किले हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इस गांव में तकरीबन 6 से ज़्यादा, 500 से ज़्यादा बंदे रहते हैं। यहाँ पे मालदार भी बहुत हैं, तो सब इसीलिए अपने गांव से प्यार है ना। तो यहाँ से कुछ लोग बाहर गए, वहाँ के अपने घर बने, वहाँ के सेटल हो गए। तो इन सब लोगों को अपने गांव से प्यार है। उनका अबू का परवरिश यहाँ से हुआ, उनका परवरिश यहाँ से हुआ, तो वो कभी नहीं जाते, हम भी कभी नहीं जाएंगे इंशाल्लाह शहर में। तो हमें अपने गांव से प्यार है, लगन है, तो हम अपने गांव से मोहब्बत करते हैं। तो अभी मैं आपको रास्ता दिखा रहा हूँ, इंशाल्लाह आगे चलते हैं, तब तक कि आप वीडियो को इंजॉय करें। तो इन वीडियो उन लोगों के लिए जो हमारी वीडियो पर हंस रहे हैं, कुछ लोगों ने मजाक भी बनाया। पब्लिक, आप लोगों को सपोर्ट करना है अपने भाई को, अपने भाई को। यार चश्मा चश्मा निकालता हूँ, अच्छा लगेगा ना? तो ठीक है, चश्मा निकाल दिया। तो आप लोगों से मैं बार बार रिक्वेस्ट नहीं करता, तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा ड्रीम में हमारा ख्वाहिश जल्द पूरा हो जाए। तो मिलते हैं रास्ते में, थैंक यू। आज मौसम काफ़ी बहुत ज़बरदस्त है, तो मैं अपने बाइक को स्टार्ट करता हूँ। तो हम जा रहे हैं रास्ते, आपको रास्ते थोड़ा भी दिखाना है ना। मैंने स्टार्ट किया अभी, एक रास्ते इसको भी पकड़ना है ना। अभी एक रास्ते चला रहा हूँ, आहिस्ता आहिस्ता चल रहा हूँ कि कहीं हम गिर ना जाए। यार 8 मोटरसाइकिल, उसका गर्दन ना ख़राब है, एक रास्ते उसका इंजन की आवाज़ें भी आपको बुरे लग रहे हैं ना। तो मैं अपने मोबाइल अपने मुंह से नज़र करता हूँ कि ताकि आपको सबसे पहले मेरी आवाज़ आप लोगों तक पहुँच जाए कि मैं क्या बोल रहा हूँ। ये हमारे शहर का रास्ता है, अभी हम जा रहे हैं अपने दरबंदी शहर। शहर दरबंदी शहर हमारे गांव से तकरीबन 18 किलोमीटर दूर है। तो मोटरसाइकिल के साथ आप अच्छी स्पीड लगाओगे ना, तो आप 15 मिनट में पहुंच जाओगे शहर में। तो आज मैं आहिस्ता आहिस्ता चल रहा हूँ, क्योंकि कहीं हम ना गिर जाए ना, एक ऐसे वीडियो बना रहा हूँ। ये चेक करते हो, आज का मौसम बहुत सुहाना है, क्योंकि आज बादल भी है। ये नज़ारा आपको कैसा लग रहा है हमारे गांव का? यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है? आगे की जगह आपको दिखाते हैं। ऑल फ्रेंड, मेरे जितने सब्सक्राइबर है, तो आप देख रहे हैं, तो हम वीडियो से आगे से शुरू किया, ये धर्मा के रास्ता है। तो आप देख रहे हैं कैसा लग रहा है आप लोगों को ये जगह। तो ये पहाड़
पहाड़ नज़र आ रहा है आपको ना, ये पहाड़ कैसा लग रहा है? ये रास्ते में हम जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। हमारे मोबाइल का कैमरा थोड़ा सा काम हो रहा है ना, यानी कि साथ वीडियो नहीं कर सकता, तो मैं आप लोगों से फिर कह रहा हूँ, तो पब्लिक आप लोग हैं हमें सपोर्ट करने वाला, तो आप लोगों से गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे यार वीडियो को लाइक और कमेंट करें ज़रूर। तो हम इकानी का रास्ता है, ठीक है, अभी मैं घर से शहर जा रहा हूँ, ठीक है, ये रास्ता के दरमियान है, अभी शहर से तकरीबन हम कितने किलोमीटर दूर है, मेरे ख्याल से 6 किलोमीटर शहर से दूर है, ठीक है, और अभी आपको दरख्त दे रहा हूँ, ठीक है, ये आपको नज़र आएंगे। आज बादल है इसीलिए रोशनाई अच्छी नहीं हुई ना, सूरज बादलों के अंदर है तो इसीलिए वीडियो साफ नहीं हो रहा है, ये दरख्त चेक करते हो, या मैं कैमरे पीछे भी लगाता हूँ, ठीक है, पीछे का नज़ारा भी आप चेक करते हो। इतनी मुश्किल से आप लोगों के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, यानी कि व्लॉग वीडियो। मैं पीछे कैमरे से आपको दिखा रहा हूँ, आपको जूम भी करता हूँ, ये आप चेक करें ना, एक इन लोगों ने घर भी बनाया पहाड़ों के ऊपर, और ये हमारा बाइक है, बाइक का लाइट अभी ऑन है, इसकी लाइट को ऑफ करते हैं, ये हो गया, इसको भी आप उड़े क्या हो, अभी आप हो गए, ये हमारा बाइक है, आप हमारी बाइक को चेक करते हैं, उसकी हालत भी देखते हैं, देखिए परफेक्ट बाइक है, एकदम मस्त बाइक है। अभी हम जा रहे हैं शहर, आपको शहर भी दिखाएंगे। ऑल गाइस, ये बाईपास का शहर है, आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है, यहाँ कुछ होटलें हैं, कुछ अमामी है, तो यहाँ इस शहर का छोटा सा एक बाईपास है, यहाँ पे वही बड़े बड़े गाड़ी आते हैं जो कोयटा जाती है, कोच है, ट्रेलर है वगैरह सामान, तो सब ये बाईपास से आते हैं, ठीक है, तो वो शहर से नहीं आते क्योंकि उसका रास्ता यही है, ठीक है। अभी आप देख रहे हैं वो खड़ा है ट्रेलर, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है, इंशाल्लाह शहर में जाकर आपको भी शहर को भी दिखाई देंगे। चलो हम अभी दरबंदी बाईपास से शहर की तरफ जा रहे हैं, तो ये शहर का रास्ता है बाईपास दरबंदी से, दरबंदी टू बाज़ार, यार ये गाड़ी भी जाने नहीं दे रहा है, अच्छा भाई इसको क्रॉस किया, अभी तो आगे चल रहे हैं, ये बाईपास है, यहाँ पे दो रोड है, एक इस रास्ते से है एक उस रास्ते से, ठीक है, बाज़ार जाते हैं तो इस रोड से जाते हैं, वापस ही उस रास्ते से आते हैं, ठीक है, तो कहीं ट्रैफिक में एक्सीडेंट ना हो जाए ना, इसीलिए ने यहाँ पे दो डबल रोड बनाया, यार गाड़ी वाले जाने दे क्या करें, अच्छा हुआ इसको क्रॉस किया, यहाँ पे देख रहे कितना रश है बाईपास में रोड पर, तो यहाँ अक्सर ट्रैफिक भी जाम होता है तो एक्सीडेंट भी इसीलिए होते हैं, तो हर बंदे से गुजारिश है कि एहतियात करें, एहतियात लाजमी है सब लोगों के लिए, यार गाड़ी वाले जाने दे क्या कर रहे हैं, आप खुद चेक करो कितना रश होता है, ट्रैफिक भी होता है रोड पर ना, तो आप स्पीड लगाओगे ज़रूर आप तो किसी के साथ चक्कर आपकी लग जाएगी, तो आप लोगों से गुजारिश है रोड अगर रोड पर मोटरसाइकिल चलाते हो तो एहतियात करें। अभी हम शहर जा रहे हैं, शहर को विज़िट करेंगे, आपको दिखाएँगे दरबंदी शहर, इस शहर का रास्ता है, ठीक है, दरबंदी से, ये दरबंदी शाहजी गली है, यहाँ मोबाइल रेफर करने वाले सारे दुकान है, ठीक है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये मोबाइल हम इसको रेफर करने के लिए भेज रहे हैं, ठीक है, ये सारे दुकान है मैं आपको दिखा रहा हूँ, स्क्रीन से अभी इसका टच स्क्रीन हमें नहीं मिल रहा है, शायद एक जगह मिल जाएंगे, अभी वहाँ जाकर इसको देंगे रिपेयर करने के लिए। आज यहाँ का रश बहुत कम है क्योंकि बारिश भी अक्सर लोग नहीं आते। ये दूसरा मार्केट है, इधर एक दुकान है, तो शायद मेरे ख्याल से इसका स्क्रीन टच इधर हमें मिल जाएंगे,
अभी इसके पास आपको हम जा रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं, ये वही दुकान है रास्को मोबाइल रिपेयरिंग इसका नाम है। तो हम यहाँ पहुँच गए, शाम को जुट करने का उठता इसी टच स्क्रीन हस्ते इस रखी हुई, बस हंसते हैं इनशाला मरोची टच स्क्रीन माने का और इनशाला चिंक मिट्टा तो तैयार भी सर। ये सर बोल रहे हैं उस्ताद जी कि ये घंटे में हमारा मोबाइल तैयार होगा, ठीक है। तो हम इसका ख़र्चा कितना होगा? सही है, ठीक है। तो मैं भी जा रहा हूँ इजी पैसा अकाउंट से अपना पैसा निकाल रहा हूँ, तो आप इसको देखें और इसको रिपेयर करें, ठीक है। मेहरबानी, थैंक यू। ये दरबंदी शहर है, आप देख रहे हैं। मैं अभी पहुँच गए हैं जयकाश के कोल्ड ड्रिंक, यहाँ पे लिखा है इजी पैसा शॉप, यहाँ से हम अपने इजी पैसा अकाउंट है उससे पैसे निकालेंगे। जयकाश भाई क्या टिक टाल कितना खर्चा होगा? सही, ठीक है। अभी हम पैसे निकाल रहे हैं, ये जयकाश है, ठीक है। ये पैसे हमने निकाल दिए अपने अकाउंट से, ठीक है। उस मोबाइल रिपेयर करने के लिए पैसे देंगे ना। ये हमारा मशहूर चावल वाला है, हमारे भाई है, तो हमेशा इसके चावल खाने के लिए हम इधर आते हैं इस मार्केट में। तो आज हमारे लिए एक स्पेशल चावल बनाओ, ठीक है। ठीक है, हमने चावल ऑर्डर दिए थे तो वो तो पहुँच गए, अभी टेस्ट करते हैं इनको इनका मज़ा कैसा है, इसका मज़े टेस्ट करते हैं। ये बहुत स्पेशल है, तो यहाँ मैं हमेशा आता हूँ चावल खाने के लिए। बहुत स्पेशल है ये। यहाँ एक मार्केट है, तो मार्केट के आगे एक चावल है वाले ने यहाँ, तो तकरीबन यहाँ चावल बेचता है। तो आप देख रहे हैं एक मार्केट है ना, यहाँ के सारे कपड़े वाले दुकान है, आप देख रहे हैं, ये भी चेक करो। ये हमारा दरबंदी का शहर है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसे अच्छे जगह भी आपको विज़िट करूँगा और होटलों भी जाऊँगी इंशाल्लाह।